लाल सागर में फिर हलचल बढ़ गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले की नई सीरीज लॉन्च करके इलाके में दहशत फैलाई है। हूतियों का रौद्र तेवर दक्षिण गाजा के शहर राफा में इसराइल की कार्रवाई के जवाब में सामने आया है। इसके बाद अमेरिकी सेना हरकत में आ गई है, लाल सागर में जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यूएसएस ड्वेड डी आइजनहावर युद्धपोत वापस लाल सागर में लौट आया है। बताया जाता है कि लाल सागर में हूती के हमले रोकने में ये युद्धपोत सबसे आगे रहा था। यमन के हूतियों ने मंगलवार को कमर्शियल जहाजों पर अपने हमले तेज कर दिए। यूके समुद्री व्यापार संगठन ने बताया कि यमन के अदन से 82 समुद्री मील दक्षिण में एक मर्चेंट शिप पर दो जोरदार हमलों का सामना करना पड़ा। हालांकि जहाज और उसके क्रू मेंबर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, मगर इस हमले ने एक बार फिर हूतियों की उस चेतावनी को सच साबित कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि वो इजरायली जहाजों को और अधिक दूरी तक टारगेट करेगा। इसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने बुधवार को दावा किया कि हूतियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में हमारी सेना ने यमनी सशस्त्र बलों की ओर से लॉन्च 3 ड्रोन और 1 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। ये बात सेटकॉम के ये कहने के एक दिन बाद आई है कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात को लाल सागर के ऊपर एक हूती ड्रोन को मार गिराया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने मिसाइल विध्वंसक स्क्वाड्रन के साथ 14 अक्टूबर से इस इलाके में तैनात अमेरिकी युद्धपोत के कम गर्मियों तक वहीं रहने की उम्मीद जताई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हूतियों के हमले तब शुरू हुए हैं जब इसराइल ने हमास के सीज फायर के प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए गाजा में इजरायली आक्रमण तेज किए। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। हूतियों ने पिछले हफ्ते ही इसराइल को धमकाते हुए कहा था कि इसराइल की ओर से अगर गाजा के राफा में हमला हुआ तो मिलिशिया ग्रुप शांत रहने वाला नहीं है। मिसाइल और ड्रोन हमला कर इसराइल और उससे जुड़े जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मादा रखता है। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि समूह के एक बड़े इजरायली और अमेरिकी जासूसी गिरोह को टारगेट कर तबाह कर दिया है जो दोनों देशों के बीच सूचनाएं भेजने का काम कर रहा था। बता दें कि बीते दिनों यमन के हूती संगठन ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपने अभियान के चौथे फेज के शुरू किए जाने के ऐलान किया। इसमें भूमध्यम सागर को शामिल करने के लिए हमलों के दायरे का विस्तार शामिल है। गौरतलब है कि यमन का मिलिशिया ग्रुप बीते साल नवंबर 2023 से लाल सागर और अरब सागर में काफी सक्रिय है। इसराइल अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े कमर्शियल जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बना रहा है। हूती विद्रोहियों ने भी कसम खा रखी है कि जब तक इसराइल गाजा में अपना अभियान बंद कर नहीं देता तब तक जहाजों को निशाना बनाया जाता रहेगा। ऐसे में यह देखना काफी अहम रहेगा कि अमेरिका इस चुनौती को कैसे पार पाता है या फिर हूतियों के सामने घुटने टेक देता है।